मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर या वास्तविक संख्या, ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सबके लिए। तो हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर, वास्तविक संख्या या रियल नंबर होता है पहला फर्स्ट चैप्टर है। तो हमें ये समझना पहले कि एज ए इंट्रो, इंट्रोडक्शन के तौर पर हमें समझना है कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर होती क्या है। तो वास्तविक संख्याएं वो सभी संख्याएं वास्तविक हैं, जैसे हम जानते हैं होल नंबर पूर्ण संख्याएं, हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर से पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण संख्या या होल नंबर। ये होल नंबर्स होते हैं 0 to 9। उसी तरह नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से 9। पूर्ण संख्याएं, इसके बाद इंटीजर्स आते हैं यानी पूर्णांक आता है। पूर्णांक का मतलब होता है कि जैसे पूर्णांक आप कह सकते हैं, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह निगेटिव इंटीजर में -1, -2, -5 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे कुछ नंबर्स थे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर में 0 to 9। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 to 9। उसके बाद हम पूर्णांक की बात किए, पूर्णांक 1, 2, 3, 4 -1, -2, -5 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे कुछ डिजिट्स है, इसमें हमें बात करनी है पर्टिकुलरली रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं की। रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर्स, आपने पिछली कक्षाओं में कुछ पिछले क्लासेस में देखा होगा कि हम नंबर लाइंस पढ़ते थे। ये नंबर लाइन है, इसके मिडल में होता था 0, इसके मिडल में होता था 0, इधर नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 इनफिनिटी, इधर माइनस इनफिनिटी, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 पॉजिटिव इनफिनिटी। इसमें ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये सभी के सभी नंबर्स रियल नंबर है। जितने भी नंबर्स हम जानते हैं वो सभी नंबर्स रियल होते हैं। एग्जांपल कि -5/2, -3, √3, -5/4 समथिंग, ये सभी के सभी रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स आप ये भी कह सकते हो कि वे सभी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होते हैं जिनको हम इस नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। यानी जिन भी नंबर्स को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं उसे हम नंबर लाइंस, उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वो सभी संख्याएं वास्तविक होती है जिनको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो सवाल ये है कि जब सभी नंबर वास्तविक संख्याएं हैं तो कुछ और भी, तो अब दूसरा होता है बाबू काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स भी कुछ होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स केवल वही नंबर होते हैं जो रूट में माइनस होता है, जैसे एग्जांपल √-2, √-4, √-7। ये सभी के सभी जो नंबर्स है, ये सभी नंबर होते हैं काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। अगर √2 लिखा हुआ है तो ये काल्पनिक संख्या नहीं है, ये वास्तविक संख्या है, ये रियल नंबर है। लेकिन अगर रूट में -2 लिखा हुआ है तो उसे हम इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो आपको बस ये डिफरेंस जानना है कि काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती है जिसको हम संख्या रेखा अर्थात नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, और काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर दिखा नहीं सकते हैं। सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर हम अगले चीज की बात करें
तो इस चैप्टर में पहला टाइप क्वेश्चन आता है कि जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में क्वेश्चंस होते हैं और आपसे कहा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या यूपी बोर्ड में कहा जाता है, हिंदी मीडियम में कहते हैं महत्तम समापवर्तन। HCF आपको ज्ञात करना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है, अगर हम सिंपल सी बात समझ लें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब होता है बालक सिंपल सा कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल और धन होता है शेषफल। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन होता है शेषफल। भाज का मतलब होता है जिसमें भाग दिया जा रहा है, जिसे इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइडेंट बोलते हैं। भाजक वो संख्या होती है जो भाग देती है, यानी उसे हम डिवाइजर बोलते हैं। ये भागफल है, भागफल का मतलब ये होता है कि भाग देने पर जितना आता है उसे हम भागफल कहते हैं, से क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये रहा शेषफल, शेषफल का मतलब होता है जो शेष बचता है इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपसे कहा गया कि 5 को डिवाइड करिए 24 में, 5 से डिवाइड करिए 24 को, तो हम 5 को 4 टाइम्स ले जाएंगे, 5 × 24 कट जाएगा, यहाँ 4 बचा। तो इसमें ये जो हमारा है इसने भाग दिया है तो इसे हम कहेंगे डिवाइजर यानी भाजक। ये जो हमारा है भाग देने के बाद आया तो इसे हम कहेंगे भागफल यानी क्वाइटेंट। ये जो हमारा नीचे आया इसे हम कहेंगे शेषफल यानी कि रिमाइंडर। और जिसमें भाग दिया गया है वो हमारा भाज यानी डिवाइडेंट कहलाता है। ये सारी चीजें है जिसके बारे में जानकारी है। अब थोड़ी सी बात हमें ये समझनी है, यानी इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा गया है उसको यदि हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम सिंपली से ऐसे लिखेंगे, पहले भाज है तो हमारा भाज ये है, यानी 24 इज इक्वल टू भाजक जिसने भाग दिया है यानी 5 गुणे भागफल जितना आया है यानी 4 और प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल जितना आया है वो है 4। अगर हम जोड़ेंगे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड हो जाएगा 5 × 20 और 4 मिलके 24, यानी 24 बराबर हो गया 24। यानी यही जो हमारा एक फॉर्मूला बन के आया इसी को हम कहते हैं, या प्रमेय बन के आया इसे ही हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम। तो ये हमारे पास एक प्रमेय बन के आया। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप समझ रहे होंगे कि जो नीचे संख्या आती है, जो रिमाइंडर आता है, अगर ये जो रिमाइंडर आया ये रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होगा, यानी जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। क्योंकि यदि ये बड़ा आ जाएगा तो एक बार और भाग चला जाएगा भाई। जैसे मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि मान लीजिए रिमाइंडर 8 आ रहा है, हमने क्या किया कुछ ऐसा, यानी 25 का 24 में जाना है, हमने 3 बार कर दिया, 5 × 3 = 15, बच गया 9। हमने जो शेषफल ले आया वो शेषफल जो है वो इससे बड़ा है, तो हम ये कहेंगे अभी तो एक बार और भाग चला जाएगा। अब ये 5 का अगर एक बार और आप ले जाते हो तो 5 × 5 और रिमाइंडर आ गया 4। और बताइए 31 और गुणे 5, 31 का 5 में गुणा करके यदि 4 हम जोड़ेंगे तो ये संख्या मिल जानी चाहिए, लेकिन 5 × 5, 5 × 3 = 15, 155 में 4 जोड़ेंगे 159 हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि यह गलत है। इसका मतलब ये गलत कहां से हुआ है, तो गलत यहीं से हो गया है, क्योंकि ये जो हमारा भागफल आया, शेषफल आया था वो शेषफल इस 5 से बड़ा है, इसलिए ये गलत हो गया। यानी हम हमेशा कह सकते हैं, आप ये समझ लीजिए कि हमेशा ये जो शेषफल होगा, यानी शेषफल इज लेस देन भाजक, यानी जिसने भाग दिया हुआ है, जो जिसके द्वारा भाग दिया जा रहा है उससे हमेशा शेषफल छोटा आएगा। यानी हम ये सिंपल साइज से दूसरे फॉर्म में ले जाएं, तो हमने कहा मान लीजिए भाज ए है,
भाजक मान लीजिए p है और ये भागफल q है और ये रहा r, तो हम ये कह सकते हैं कि r इज लेस देन p, r इज लेस देन p होगा, r का मान p से छोटा होगा। तो ये है हमारा एल्गोरिथम प्रमेय, जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम कहते हैं। अच्छा, इस पे फर्स्ट क्वेश्चन कैसा आता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको दो संख्याएं देगा और कहेगा कि बताइए एचसीएफ, बताइए एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि 135 एंड 100, 135 और 100 का अगर आपसे केवल पूछा जाता है कि उसका एचसीएफ बताइए, इसका आपको एचसीएफ यानी कि महत्तम समा अपवर्तक बताना है। तो जब एचसीएफ केवल पूछ रहा है तो यूक्लिड की बात नहीं किया, तो आप बाई द सिंपल आप ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 135 का एलसीएम निकाल लीजिए, 135 का जब आप बगल में एलसीएम निकालेंगे तो ये जो संख्या है वो 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12 हो गया, एक बच गया 15 हो गया, तो 3 5 15, फिर ये एक बार और कट जाएगा, 3 5 15 3 5 15 और 5 5, ये इसका 135 के ये गुणनखंड है, फैक्टर्स हैं। उसके बाद अब 100 का भी आप निकाल लीजिए यहीं पे, जब 100 का निकालेंगे 2 से कट जाएगा 50 आएगा, फिर 2 से कटेगा 25 आएगा, फिर 5 से कटेगा 5 आएगा, और फिर 5 से कट जाएगा 1 आएगा। यानी हम 135 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 5, 3 × 9 9 5 3 15, 15 × 135 ये मिल गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 100 को 100 = 2 × 2 × 5 × 5। अब जो डिजिट्स कॉमन होते हैं, जो संख्याएं कॉमन होती है, उसी को हम एचसीएफ मान लेते हैं। हम देख सकते हैं दोनों में 5 कॉमन है, जब दोनों में 5 कॉमन है और कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए जो इनका एचसीएफ होगा वो होगा 5। ये एक सिंपल मेथड है एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ निकालने का ये एक सिंपल मेथड है जो आपने पिछली कक्षाओं में हो सकता है पढ़ा होगा। अब हमें जो अब एचसीएफ निकालना है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा निकालना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हमें एचसीएफ निकालना है, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम्स के द्वारा हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है। हमें दो डिजिट्स दिए गए हैं 135 और 100। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है। ऑब्वियस सी बात है कि 100 छोटा है और 135 बड़ा है। जब 100 छोटा है 135 बड़ा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 100 इज लेस देन 135। जो संख्या छोटी होती है उस संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग दे देंगे, यानी 135 से डिवाइड करेंगे 100 से, 135 को डिवाइड करेंगे 100 से। एक ही बार जाएगा, एक बार गया तो 100 बन जाएगा, और जब 100 बन गया रिमाइंडर आ जाएगा 35। हम देख पा रहे हैं कि जो 35 है वो 100 से छोटा है, यानी हमारा भाग सही है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब ये 35, अब ये जो रिमाइंडर इससे ये छोटा आ जाता है, अगर ये रिमाइंडर जो हमारा है, यानी जो हमारा शेष है, यदि वो इससे छोटा आ जाता है, तो अब इससे इसमें भाग दिया जाए, यानी 35 अब भाग देगा 100 में, तो 35 × 70 और 35 × 105 हो जाएगा, तो इसलिए 35 × 2 ही जाएगा और ये हो गया 70। 100 में से 70 जाएगा तो बच जाएगा 30। अब फिर ये 35 बड़ा है और 30 छोटा है, फिर भाग दिया जाएगा, यानी 30 का दिया जाएगा 35 में, तो 30 × 30 हो जाएगा और बच जाएगा केवल 5। फिर छोटा आया, फिर भाग देगा, यानी 5 का भाग जाएगा 30 में और 5 × 6 = 30, और जिसने काटा वही उसका एचसीएफ कहलाता है। आप देख सकते हैं कि क्या 5 ने काटा, इसलिए हम कहेंगे इनका एचसीएफ जो है वो 5 है, क्योंकि हमने पिछले मेथड से भी देखा था कि एचसीएफ कितना था, 5 था। ये है हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम और ये है हमारा एक सिंपल मेथड। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपको साथ समझ आ जाए।
एग्जाम्पल, वन फोर्टी फाइव और 290, समझ कर लिया हमने 145 और 290। जब 145 एंड 290 हमने देख लिया तो सिंपल सी बात है कि अगर 290 को इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है तो 145 से हम डिवाइड कर देंगे 290 में, तो 145 का दो बार जाएगा तो दो पच्चे दस, दो चौको आठ, नौ दो एक दो कट गया, यानी 290 पूरा काट दिया। अब किसने काटा? इसने काटा, इसलिए इसका एचसीएफ सिंपल सा हो जाएगा 145, सिंपल सा एचसीएफ हो जाएगा। अब ये दो दो डिजिट्स की रहे, ये दो दो डिजिट का रहा, जब दो दो डिजिट रहेगा तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन यदि अगर तीन डिजिट आ जाता है तब उस केस में हम कैसे करते हैं उसको जरा समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 35, आपको दे दिया गया 100 और आपको दे दिया गया 125। ये अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं बात कर, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सबसे छोटा कौन है। कई नियम होते हैं लेकिन ये भी ठीक है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है 35, तो इसी 35 से दोनों में आप डिवाइड कर दीजिए, यानी 35 से पहला डिवाइड होगा 100 तो, और दूसरा 35 से बगल में डिवाइड कर लीजिए 125। 35 का जो 100 में डिवाइड होगा तो 35 दो टाइम जाएगा, यानी हो जाएगा 70 और बच जाएगा 30। फिर ये 30 इससे छोटा है इसलिए 30 अब भाग करेगा 35 में, 35 का एक बार जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5। अब इस 5 ये छोटा होने के नाते इसे फिर 5 जो 30 में डिवाइड करेगा तो 5 छक्के 30 हो गया, यानी ये कैंसिल हो गया, यानी इसका और इसका जो हमारा एचसीएफ आया वो आया 5। डिवाइड करेंगे 35 का, जब आप डिवाइड करोगे तो 35 तिया होता है 105 और अगर 35 चौको कर लेंगे तो 140 हो जाएगा जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो 35 तिया, तो 35 तिया हमें 105 कहा, ये 5 से 5 गया 0, 2 में 0 गया 2 और ये कैंसिल आउट हो गया। देख रहा हूं आप ये छोटा इसे, अब ये 20 डिवाइड करेगा 35 में, 20 से कहीं हम 20 जाएगा और यहां बच जाएगा 15। अब 15 डिवाइड करेगा 20 में तो 15 का ये 15 बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 5, और ये 5 डिवाइड करेगा 15 में तो 5 तिया 15 से 15 कट गया, यानी इसका भी एचसीएफ आ गया 15। इन दोनों का भी एचसीएफ 5 है और इन दोनों का एचसीएफ भी 5 है। जब दोनों समान आ जाता है, जब दोनों समान आ जाएगा तो तीनों का एचसीएफ मान आ जाएगा कि तीनों का एचसीएफ होगा 5, सॉरी तीनों का एचसीएफ होगा 5। लेकिन यदि मान लीजिए ये कुछ और आ गया और ये कुछ और आ गया, इस यहाँ पे जो संख्या काटी वो कुछ और है और यहाँ पे कोई संख्या जो काटी वो कुछ और है, तो सपोज कर लेते हैं मान लीजिए यहाँ पे काटा गया 4 है और यहाँ पे काटा जिसने 16, तो फिर क्या करेंगे, इस 4 से 16 में भाग दे देंगे, 16 में आप 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16 आ जाएगा, 16 से 16 कट गया, तो ये जिसने काटा इसको वो जो है हमारा एचसीएफ कहलाएगा, यानी ये होगा हमारा एचसीएफ। तो ये है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ ज्ञात। उसके बाद